दुष्ट आत्मा का संसार पूरी गंदगी से भरा हुआ है। वहाँ इतनी गंदगी है कि कोई इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का इनका राज खोला था। ये सब केवल आत्मिक जगत में तरक्की पाने के लिए है। मैं जानती हूँ कि इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन है, लेकिन ये 100% सच है। कभी कभी कुछ दुष्ट आत्माएं इंसानों पर ऐसा कब्जा कर लेती हैं कि वो उम्र भर उनका पीछा तक नहीं छोड़ती हैं, और कभी कभी शारीरिक संबंध बनाकर उनकी हत्या कर देती हैं। लेकिन ये सबसे दुर्लभ मामला है जिसे आज आप सुनने जा रहे हो, क्योंकि ये पीछा सब धार्मिक लोगों के ऊपर भी बहुत कठिन साबित हुआ। बस सबने अपने हाथ खड़े कर दिए और इस महिला को तड़पता हुआ अकेला छोड़ दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मधुमलाई के जंगलों का किस्सा है। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं। वहाँ पर एक फैमिली भी रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है। उनकी बेटी का नाम सुंदरी है। सुंदरी जो है ना, वो किसी लड़के से बहुत प्यार करती है, वो लड़का भी उसको बहुत प्यार करता है। लेकिन इन दोनों की शादी तभी हो सकती है जब सुंदरी की उम्र 20 साल की होगी, क्योंकि जब सुंदरी जब पैदा हुई थी ना, तो सुंदरी की जब कुंडली बनाई गई थी तो एक पंडित ने बोला था कि इसके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए इसकी जो शादी है 20 साल से पहले मत करना। इन दोनों के परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं, बस वेट करते हैं कि सुंदरी अब 20 साल की हो जाए और दोनों की शादी कर दे। सुंदरी बेहद खूबसूरत होती है। आजू बाजू जितने भी इलाके होते हैं ना, सब इलाकों में सुंदरी सबसे खूबसूरत है। इस वक्त सुंदरी की उम्र 19 साल थी। सब लोग वेट करते कि जल्दी जल्दी 19 साल खत्म हो जाए, ये जो 19वां साल लगा हुआ है वो खत्म हो जाए और सुंदरी को 20वां साल लग जाए और सुंदरी की शादी कर दे। अब क्या होता है, सुंदरी ना अपने गांव की लड़कियों के साथ डेली कपड़े धोने के लिए नदी में जाती है, वहां पर नहाती भी है। उसको बहुत बार ऐसा फील होता है कि कोई उसको छुपके से देख रहा है। वो बहुत बार देखती भी है, खुद भी देखती है, अपनी सहेलियों को भी बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई छुपके से मुझे देख रहा है। अब सुंदरी भी देखती है और आजू बाजू उसकी जितनी भी सहेलियाँ हैं सब लोग आजू बाजू देखते हैं कि कौन देख रहा है, कोई नजर नहीं आता। और कई बार सुंदरी की सहेलियाँ भी उसको बोलती है कि हमको तो ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि कोई देख रहा है हमको। तो सुंदरी बोलती है, नहीं मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि पानी के अंदर कोई है, लेकिन कौन है मुझे दिखता नहीं है। तो सुंदरी की सहेलियां सुंदरी की बात सुनकर बहुत अचंबा फील करती हैं, क्योंकि उसकी सहेलियां भी तो सुंदरी के साथ ही नहाती है नदी में, उनको तो कभी कुछ ऐसा फील नहीं होता। तो बहुत अजीब लगता है कि सुंदरी अजीब सी बातें करती है। एक बार क्या होता है, सुंदरी ना अभी घर का खाना बना रही होती है, घर का खाना बनाते बनाते उसको बहुत लेट हो जाता है। तो उसकी सहेलियां जो होती हैं, सब सहेलियां नदी में कपड़े धोकर और नहाकर आ जाती हैं। अब सुंदरी क्या करती है, अकेली ही नदी में जाती है, वहाँ पर कपड़े भी धोती है और नहाना शुरू कर देती है। जैसे वो पानी के अंदर अभी नहा रही है ना, तो उस पानी के अंदर से धार देने एक ऊपर आता है अजीब सा पिशाच, बहुत जो कि बहुत ही डरावना है, बहुत भयंकर। उसका मुंह है एकदम लंबे लंबे, उसके दांत है खूंखार दांत है। तो वो सुंदरी को बोलता है कि मुझे ना तू बहुत अच्छी लगती है, तो बस मेरी है। उसकी जो आवाज़ होती है वो भी भयंकर होती है। सुंदरी बहुत डर जाती है। वो क्या करती है, अब नदी में से ना भागना स्टार्ट करती है कि वहाँ से भाग जाए, उस पिशाच के पास से भाग जाए। अब जैसे ही वो भागना स्टार्ट करती है ना, तो वो सुंदरी के पीछे से ऐसे बाल खींचता है और धार देने अपनी ओर गिरा देता है। और वो फटाफट उसको धनाधन मुँह पर मार रहा है, कभी इधर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है, कभी पानी के अंदर डबो रहा है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बेचारी को सांस भी लेने को नहीं होता। जब वो उसकी पूरी सुध-बुध खो आती है ना, वो पिशाच क्या करता है, उसके साथ जबरदस्ती फिजिकली रिलेशन बनाता है। अब फिजिकली रिलेशन बनाने के बाद ना, थोड़े टाइम के बाद सुंदरी को थोड़ी होश आती है तो वो फटाफट अपने घर की ओर भागती है और रोते रोते भाग रही है। सब गांव वाले आसपास वाले लोग ना उसको देखते हैं, क्योंकि उसके पूरे कपड़े फटे हुए होते हैं। जोर जोर से वो चीख चीख के रो रही है, भागती है, फटाफट घर पर जाती है और अपने माता पिता को ये पूरी बात बताती है। ये जो बात जैसी उसने अपने मम्मी डैडी को बताई ना, तो ये पूरी बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब जैसे ये बात आग की तरह फैली ना, जिस लड़के से सुंदरी की शादी होने वाली थी ना, जब ये बात उस लड़के को पता चलती है, तो उसने ऑन द स्पॉट सुंदरी से रिश्ता तोड़ दिया। अब सुंदरी से रिश्ता तोड़ दिया तो सुंदरी क्या करती है, बहुत डिप्रेशन में आ जाती है। फाइनली वो क्या करती है, वो सोचती है कि इस पिशाच ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, पूरे गाँव में मेरी बदनामी कर दी है। जिससे मैं प्यार करती थी उस बंदे ने भी मुझे छोड़ दिया। तो वो अपना ना छुरी लेकर हाथ काटने जाती है। जैसे वो हाथ काटने जाती है ना, तो वो पिशाच फिर से आ जाता है, उसका हाथ पकड़
करता है और छुरी दूर फेंक देता है। ये फर्स्ट टाइम था जब पिशाच उसके घर पर आता है। वो क्या करता है, जैसे छुरी उसके हाथ से दूर फेंकी ना, तो उसके साथ फिर से सुंदरी के साथ जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती रिलेशन बनाने के बाद ना वो जोर जोर से हंसता है और बोलता है मैंने बोला था ना तू सिर्फ मेरी है, तो किसी और की हो ही नहीं सकती है, ये बोलकर उसकी आंखों के सामने से गैप हो जाता है। अब ये पिशाच जो होता है डेली उसके घर पर आता है और सुंदरी के साथ जबरदस्ती करता है। जब उसके माँ बाप घर के अंदर होते हैं ना, मतलब जब आंगन में होते हैं, तो खुद ही घर के दरवाजे धाड़ देने बंद हो जाते हैं, खिड़कियाँ धाड़ देने बंद हो जाती हैं। माँ बाप बहुत फोर्स करते कि दरवाज़ा तोड़ दे, दरवाज़ा खुले, दरवाज़ा खुलता नहीं। वो पिशाच क्या करता है, ज़बरदस्ती उसके साथ रिलेशन बनाता है। रिलेशन बनाने के बाद जब वहाँ से गायब होता है तो खुद ही ये खिड़कियां खुल जाते हैं। अब पूरा परिवार इस टॉर्चर से बहुत तंग आ जाता है। बहुत सारे बाबाओं को दिखाया जाता है। गांव वालों ने भी इस परिवार की बहुत मदद करने की कोशिश की, लेकिन ये गंदा पिशाच इतना घटिया था ना कि जो भी परिवार, जो भी मतलब गांव के लोग इन लोगों की मदद करने के लिए आते थे, ये गंदा पिशाच उनके घर पर जाता था और उनको मारता था, पूरे परिवार को मारता था। ना औरत देखता था, ना बच्चा देखता था, सबको धनाधन धोता था। तो बेचारे गांव वाले भी बहुत डर गए थे, कोई इनकी मदद करने के लिए अब आगे नहीं आता था। बहुत सारे लोग क्या करते थे, चुपके से बताते थे कि इस बाबे के पास जा, उस बाबे के पास जा। ये जगह जगह हर बाबे के पास जा चुके थे, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। फाइनली ये लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना ये घर ही छोड़ दें, इस टॉर्चर से हम लोग बहुत तंग आ गए हैं। 6 महीने बहुत उस पिशाच ने इन लोगों को टॉर्चर किया, तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग अभी चुपके से घर छोड़ देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, रातों रात ना अपना सामान बांधते हैं और घर से निकलने के लिए जैसे ही बाहर कदम बढ़ाते हैं ना, तो वो पिशाच इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूरे परिवार को धोता है। इवन कि सुंदरी के मम्मी डैडी, सुंदरी को सबको पटक पटक के दीवारों पर मारता है। ऐसे मार रहा है जैसे कोई कपड़े नहीं, ऐसे ऐसे धोते हैं, सबको ऐसे ऐसे दीवारों पर मार रहा है, धनाधन धो रहा है। बहुत बेचारों को लहूलुहान कर दिया, उनका घर से निकलना हराम कर दिया, दिन रात का चैन इन पिशाच ने ना छीन लिया था। बहुत तंग आ गए थे, कुछ असर नहीं हो रहा था। हालत इन लोगों की बोलो ना कि सर के ऊपर से पानी चला गया था, इतनी उस पिशाच ने इनको टॉर्चर करके रखा था। फाइनली एक दिन क्या होता है, बाजू के गांव से ना एक लड़का आता है, वो अपने माता पिता के साथ सुंदरी के घर पर आता है। वो लड़का सुंदरी को देखकर बोलता है कि मैं ना तुझे पहले से ही बहुत प्यार करता था, और लड़का ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और मैं तुमसे शादी करूंगा। वो अभी ये बात सुनकर ना सुंदरी के माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हमारी बेटी का घर बस रहा है, अच्छी बात है, और उस पिशाच से छुटकारा तो मिले। सुंदरी भी बहुत टॉर्चर उस पिशाच से हुई होती है, सुंदरी भी मन में बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली उस पिशाच से मुझे छुटकारा मिलेगा और मेरी इससे शादी हो जाएगी। अब क्या होता है, वो जो लड़का होता है ना जो बोलता है कि मैं तेरा इलाज करवाऊंगा, वो लड़का ना सुंदरी को एक बाबा के पास लेकर जाता है। वो बाबा क्या करता है, सुंदरी के ऊपर ना झाड़ फूंक करता है। झाड़ फूंक करने के बाद वो सुंदरी को एक तावीज़ देता है और बोलता है हमेशा ये तावीज़ ना अपने गले में डालकर रखना। तो सुंदरी बोलती है ठीक है। अब सुंदरी की शादी को हुए 5 साल हो जाते हैं और उसको 2 बच्चे भी होते हैं। सुंदरी का जो शादीशुदा जीवन है ना बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा है। एक दिन क्या होता है, 5 साल के बाद वो पिशाच उसके घर पर आता है। दिन का टाइम है, सुंदरी घर पर अकेली है, और वो पिशाच क्या बोलता है, उसने वो बहुत भड़का हुआ होता है, सुंदरी को पहले तो बहुत मारता है। बहुत मारने के बाद बोलता है मैंने तुझे बोला था ना कि तू सिर्फ मेरी है, ऐसे चिरा चिरा के बात करता है। सुंदरी बेचारी बहुत डरी हुई होती है, उसके हाथ पैर कांपरे होते हैं कि इतने साल के बाद ये कहाँ से आ गया है, मैंने तो ये ताबीज़ भी पहना हुआ है, क्या हो गया है अचानक से। अब क्या होता है, वो पिशाच इसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करता है। ज़बरदस्ती रिलेशन बनाने के बाद ना वो पिशाच जाते जाते इस पर बहुत हंसता है, जोर जोर से हंसता है तेरे पति की तू आज इंतज़ार कर रही है ना, वो नहीं आने वाला, वो नहीं आएगा, वो तो गया। ऐसे कर ना वो वहां से गैप हो जाता है पिशाच। सुंदरी बहुत डर जाती है, उसके हाथ पैर कांपते हैं कि इसने क्या कर दिया। अब एक ही घंटे के बाद ना सुंदरी के पास एक बंदा आता है और वो बोलता है भाभी आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, ऑन द स्पॉट आपके पति की डेथ हो गई है। सुंदरी एकदम टूट जाती है बेचारी, वहीं पर गिर जाती है चक्कर खाकर। सुंदरी की हालत बहुत खराब होती है। उसके पति को मरे 1 महीना हो जाता है। वो जो पिशाच है डेली इसके घर पर आता है और इसके साथ फिजिकली रिलेशन बनाता है। सुंदरी बहुत तंग आ जाती है, उसको समझ में नहीं आता
आके क्या करूँ। सुंदरी अपने माता पिता की मदद लेती है और बोलती चलो उसी बाबा के पास चलते हैं, इस पिशाच ने तो फिर से मेरे नाक में दम करके रख दिया है। अब उस बाबा के पास जाते हैं तो देखते हैं वो बाबा तो मर चुका है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। सुंदरी बहुत टॉर्चर हो जाती है। सुंदरी अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए आ जाती है। वो अपना अब ये जो पिशाच है ना डेली इसके साथ रिलेशन बनाता जा रहा है। ऐसे टॉर्चर होते होते सुंदरी को 3 साल हो जाते हैं, वो उसके नाक में दम करके रख देता है। अब क्या होता है, एक दिन वो फिर से एक उसके गांव के पास ही एक बाबा आया हुआ होता है, बाहर से कोई बाबा आया हुआ है, बोलते कि बहुत चमत्कारी बाबा है। वो उस बाबा के पास जाती है पूरे अपने मम्मी डैडी को साथ में लेकर। उस बाबा के पास जाती है तो वो बाबा उसके ऊपर कोई मंत्र फूंकता है और बोलता है बेटा तू टेंशन मत ले, कंटिन्यू तू 4-5 दिन यहाँ पर आ, मैं तेरे ऊपर झाड़ फूंक करूंगा, मंत्र फूंकूंगा और तू ठीक हो जाएगी। अब ये 4-5 दिन कंटिन्यू बिना नागा किए, मतलब बिना मिस किए डेली वहाँ पर जाती है, डेली वहाँ पर जाती है और फाइनली इसको बहुत अंदर से अच्छा फील होता है। इसको लगता है कि शायद हाँ वो नेगेटिव एनर्जी जो है, वो पिशाच जो है मेरे से दूर चला गया है। अब क्या होता है, सुंदरी को काफ़ी साल हो जाते हैं, 5-6 साल हो जाते हैं, वो पिशाच इसके पास नहीं आता है। जब पिशाच नहीं आता है ना तो एक दिन सुंदरी के माँ बाप बोलते हैं बेटा हमारी उम्र हो गई है, तू कब तक अब हमारे पास रहेगी, ऐसा अगर तू अभी अपना घर बसा ले तेरे बच्चों को भी बाप का सहारा मिल जाएगा। तो सुंदरी ना बोलती है, फिर भी उसके मम्मी डैडी ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं बेटा ऐसा मत कर, हम लोग तुझे ऐसे डेली तड़पते तड़पते नहीं देख सकते, हम लोग चाहते हैं कि तेरा घर बस जाए। तो फाइनली सुंदरी अपने मम्मी डैडी के प्रेशर में आकर शादी कर लेती है। शादी के ठीक 15 दिन के बाद ही ना उसका पति बहुत बुरे से बीमार हो जाता है, बहुत बुरे से इतना बीमार पड़ जाता है अचानक से कि वो बेड से उठ ही नहीं पा रहा है। अब इतना बीमार है, इस बात को 3 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं तो वो पिशाच जो होता है ना रात के टाइम पर फिर से सुंदरी को दिखता है। जैसे ही वो पिशाच अभी रात के टाइम पर सुंदरी के घर पर आता है ना और वो सुंदरी को बोलता है फिर से डेंजर आवाज में, मैंने बोला था ना कि तू सिर्फ मेरी है। अब उसका पति भी जाग रहा है, उसकी हालत इतनी खराब है कि वो बेड से उठ ही नहीं पा रहा है। अब वो जो पिशाच है ना वो सुंदरी के साथ जबरदस्ती रिलेशन बना रहा है उसके पति के आंखों के सामने, और जो पिशाच है ना वो उसके बच्चों को अजीब सी नींद में सुला देता है, मतलब पूरे उनको कोई होश नहीं होती है, ऐसे अजीब सा वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई नींद की गोली खा के सो जाता है ना, उसके बच्चे ऐसे सो रहे हैं, बेसुध होकर सो रहे हैं, जबरदस्ती रिलेशन बनाता है। बेचारी सुंदरी बहुत चीखती है कि प्लीज़ मेरी, मैं ऐसा मत कर, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। पिशाच कुछ नहीं सुनता है, जबरदस्ती रिलेशन बना रहा है। सुंदरी बहुत रो रही है, धनाधन रो रही है। सुंदरी के साथ जबरदस्ती होते हुए ना उसका जो पति होता है वो भी रो रहा है, वो बेड पर रो रहा है, उसकी आंखों से भी धनाधन आंसू निकल रहे हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ की कोई मदद ही नहीं कर पा रहा, बेचारा हिल ही नहीं पा रहा है। सुंदरी को भी बहुत अंदर से गंदा फील लगता है। फाइनली वो पिशाच वहाँ से जाता है, उसके जो बच्चे हैं ना उनको 12 घंटे के बाद होश में आते हैं। अब एक ही हफ्ते के बाद सुंदरी के पति की डेथ हो जाती है। सुंदरी के पति की जैसे डेथ हो जाती है ना तो अब सुंदरी पूरी तरह से टूट जाती है। वो पिशाच डेली आता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब सुंदरी के अंदर बिल्कुल भी इमोशन ख़त्म हो गया है, वो जीते जी मर जाती है, बस एक जिंदा लाश की तरह होती है। वो पिशाच आता है डेली उसको टॉर्चर करता है, वो कुछ ना अभी चिल्लाती है ना रोती है, बस सीधा पड़ी रहती है, बस वो पिशाच उसके साथ जबरदस्ती करके चला जाता है। बहुत बार वो पिशाच उसको धनाधन मारता भी है, जबरदस्ती मारता भी है, वो कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप मार खाती रहती है, कुछ नहीं रिएक्ट करती है, बस एक हुई लाश है जिसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, और कुछ नहीं है। कुछ अब इस महीनों के बाद ना सुंदरी इतनी डिप्रेशन में आ जाती है कि वो मर जाती है। जब सुंदरी की डिप्रेशन में आकर डेथ हो जाती है ना तो उस वक्त सुंदरी की जो उम्र थी वो 37 की थी। उसने बहुत लंबा टॉर्चर सहा, उसकी कोई मदद नहीं हो पाई, उसने 17 साल बिचारी ने बहुत तड़प तड़प के निकाले। फाइनली उसका जो छुटकारा हुआ, मर के ही छुटकारा हुआ, उससे पहले बहुत उपाय किए लेकिन कुछ उसका मदद नहीं आई। दोस्तों मेरा मानना ये है कि हम इंसानों में ही एकता नहीं है, अगर इंसानों में एकता होती तो ऐसे दुष्ट आत्माओं से बचाने वाले जगह जगह पर लोग भरे हुए हैं। अगर कोई चाहता तो वो सुंदरी के लिए खड़ा भी हो सकता था, बता सकता था भाई इसके पास जा उसके पास जा। ये जो लोग हैं ना, ये बाबा जो वगैरह हैं, आजकल इन बाबाओं ने अपनी दुकानें खोल के रखी हुई है। जैसे एक डॉक्टर को होता है ना कि मेरा कस्टमर बाहर मेरे किसी दूसरे के पास ना जाए, वैसे ही ये बाबाओं का भी है कि हाँ ये लोग क्या है सिर्फ मेरे ही जेब में इनका
मेरा पैसा जाए किसी और के पास ना जाए, क्योंकि अगर किसी और के पास गए तो मेरी बदनामी हो जाएगी कि ये बाबा का कोई असर नहीं करती है दवाई, मतलब ये बाबा किसी काम का नहीं है। और हाँ, डॉक्टर का मैंने कस्टमर इसलिए बोला क्योंकि डॉक्टर नॉर्मल लोगों को मरीज नहीं मानते हैं। दोस्तों, अगर कोई चाहता तो सुंदरी की मदद कर सकता था। हर किसी की पहचान होती है, जहाँ तक मुझे लगता है आज के दौर में ना हर किसी की पहचान है कि हाँ भाई ये बाबा के पास नहीं तो वो बाबा के पास जाओ, कोई ना कोई जगह जगह पर। आजकल तो स्पिरिचुअली बंदे हैं, कोई अगर उसको ढंग का बंदा मिल जाता, स्पिरिचुअली बंदा मिल जाता तो आज बेचारी सुंदरी जिंदा होती और उसके बच्चे भी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करते। ये जो लोग हैं ना आजकल की दुनिया जो है ना, बस अपने ही दुकानें चलाने के लिए, बस अपना धंधा करने के लिए ये सब करते हैं। कोई किसी के इमोशन की कदर नहीं करता है, किसी को किसी की जान की पड़ी नहीं है। ये मेरी सोच है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।